हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी इंटीग्रल्स का जो है एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 10 है। ये वीडियो का आपके पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन 2x स्क्वायर + 6x + 5 dx। जब भी आपको इस तरीके की फॉर्म दी हुई रहेगी, तो जनरल फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ px + q अपॉन ax स्क्वायर + bx + c dx, जहां पर आपका क्या है p q a b c, ये क्या है आपके कांस्टेंट है, एंड वी आर टू फाइंड रियल नंबर्स a एंड b। कैपिटल a और b को आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप p x + q की जगह पर आप क्या लिखोगे, a d ax स्क्वायर + bx + c by dx plus b। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करके आप ये वैल्यू निकालोगे, फिर px plus q यहाँ पर ये रहेगा ही सही। इनको कंपेयर करके, जैसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम जो है a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फाइनल आंसर हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए आप क्या करना है। x प्लस 2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ax स्क्वायर 6x प्लस 5 प्लस b आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस बी। ठीक है, सो अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4ax प्लस 6a प्लस बी बन जाएगा। सो ये तो कांस्टेंट है और यहाँ पर आपका क्या है 4a है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 4a। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a plus b 2 के इक्वल हो जाएगा। अब a की वैल्यू 1/4 अगर हम यहाँ रख देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो b इज इक्वल टू 2 - 3/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, b की वैल्यू मिल गई 1/2। a की वैल्यू क्या थी, 1/4, और b की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो वैल्यू आप जो है कहाँ पर रखोगे, वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखोगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। ठीक है, तो x प्लस 2 की जगह, a की जगह तो आ गया 1/4 और b की जगह आ गया 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहां पर इस इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो x प्लस 2 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, यानी कि 1/4 4x प्लस 6, ठीक है, प्लस 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, 4x प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx बन जाएगा, और ये 1/2 बाहर कर दिया और ये बन गया 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है,
तो हम इसको बोल देंगे आई वन, वन बाय फोर आई वन प्लस वन बाय टू आई टू। यहाँ पर इसको हमने क्या मान लिया, आई वन मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, आई टू मान लिया। ठीक है, अब आई वन और आई टू की वैल्यू, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू डी एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब आई वन की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है, और आई टू की वैल्यू आप फाइंड आउट करके आई वन और आई टू की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर थ्री में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सो टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर एक्स प्लस सिक्स डी एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो 4x plus 6 dx की जगह तो हमने क्या रख दिया, dt रख दिया, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, t रख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 by t dt बन जाएगा। तो ये हो जाएगा log modulus of t plus c1। ठीक है, सो यहां से क्या आ जाएगा, log modulus of 2x square plus 6x plus 5 plus c1। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास I1। सिमिलरली आपको I2 भी निकालना है। ठीक है, तो I2 में आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, I2 में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx है, तो 1 बाय 2 आप कॉमन ले लोगे यहां से, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 6 बाय 2 x प्लस 5 बाय 2 dx बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, ये 2 से 6 तीन बार कट गया। ठीक है, और यहां पर इसका अगर आप कंप्लीट स्क्वायर बनाते हो, तो x के कोएफिशिएंट को आप 2 से डिवाइड करते हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर अगर हम इधर खोल कर ओपन करें, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3 बाय 2 एक्स प्लस 9 बाय 4। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो आ ही गया। ठीक है ना, और इसमें 9 बाय 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो माइनस 9 बाय 4 कर दोगे और प्लस 5 बाय 2 कर दोगे आप। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 by 2 integration 1 upon x plus 3 by 2 का whole square। आप इसका LCM ले लो, LCM आप लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 LCM अगर ले लिया हमने, तो यहाँ पर आएगा minus 9 plus 10। ठीक है, सो ये आपका बन गया 1 by 2 इंटीग्रेशन 1 upon x plus 3 by 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो क्या आएगा, 1 by 2 तो आ ही जाएगा। ठीक है, और ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो ये होता है 1 upon a, यानी कि 1 अपॉन 1 बाय 2। ठीक है, tan इनवर्स x, ठीक है ना, बाय a प्लस c, c2 कर दो। ठीक है, सो यहां से 1 बाय 2 से 1 बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3 आ जाएगा प्लस c2। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ये i1 और i2 की वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर इसका निकल जाएगा इंटीग्रेशन, सो 1 बाय 4। अब यहां पर क्या कर देंगे हम, i1 और i2 की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 1 बाय 4 log ऑफ
2x² plus 6x plus 5 तो ये आ जाएगा, ठीक है, plus C1, ठीक है, plus 1/2 tan inverse 2x plus 3 plus C2, right? So 1/4 log of 2x² plus 6x plus 5 plus 1/2 tan inverse 2x plus 3, और यहां से क्या आ जाएगा 1/4 C1, यानी कि C1/4, और यहां से आ जाएगा C2/2, ठीक है। अब इस दोनों को हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, ठीक है ना। सो 1/4 log of 2x² plus 6x plus 5 plus 1/2 tan inverse 2x plus 3 plus C, where C is equal to C1/4 plus C2/2, right? So ये आपका क्या हो जाएगा, final answer हो जाएगा। Next question, example number 10. Question number 2, I is equal to integration x plus 3 upon under root 5 minus 4x minus x square dx. तो ये किस तरीके की फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पी क्यू ए बी सी तो आपके क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पी एक्स प्लस क्यू को किस तरीके से लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बाय डी एक्स प्लस बी, ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इंटू टू ए एक्स प्लस बी एंड प्लस का कैपिटल बी, राइट। तो इस फॉर्म में हम इसको करेंगे और कंपेयर करके, आप एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो जब भी इस तरीके की फॉर्म आएगी तो आप ये वाली चीज यहाँ पर यूज में लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले जनरल फॉर्म आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 को हम कैसे लिख लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू a, अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर यानी कि d बाय dx, इसके लिए 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस b, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से x प्लस 3 आपके पास आ गया a, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 4x का माइनस 4 हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर का 2 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस b। सो यहां से आपके पास क्या आ गया, माइनस 4a माइनस 2ax प्लस b, सो माइनस 2ax प्लस माइनस 4a प्लस b, ठीक है, और इधर आपका था x प्लस 3। तो अब x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, 1 है, सो 1 को इसके इक्वल करेंगे माइनस 2a के इक्वल, सो माइनस हाफ तो आ जाएगी a की वैल्यू, ठीक है, माइनस हाफ तो क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई। और यहां से कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को, माइनस 4a प्लस b को 3 के इक्वल करेंगे और a की वैल्यू आप माइनस 1/2 यहां पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यहां से b इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, a और b की वैल्यू यहां से आपको मिल गई। ठीक है, अब ये a और b की वैल्यू हम जो है इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, यहां पर a की वैल्यू रखेंगे और यहां पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, नोट कर लीजिए।
सो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस हाफ है, और बी की वैल्यू आपके पास आ रही थी वन। सो इस एक्सप्रेशन में हम अगर रखें तो इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हाफ माइनस 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसको आप यहाँ से माइनस हाफ तो बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, और बाकी जो टर्म बची उसको अपन ने आई वन मान लिया, प्लस ये वाली टर्म को हमने आई टू मान लिया। ठीक है, सो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी टू कंसीडर कर लें आप इसको। अब I1 को आपको सॉल्व करना है, तो I1 आपके पास आ गया इंटीग्रेशन माइनस फोर एक्स माइनस टू अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। सो आप यहाँ पर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर को अगर आप टी पुट कर दे रहे हो तो डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगा 0 माइनस 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की जगह तो आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय रूट टी। सो ये इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, 2 रूट टी प्लस सी वन। ठीक है, और t की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस सी वन। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपके पास आ गई i1 की। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, i2 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। Now consider I2 is equal to integration 1 upon under root 5 minus 4x minus x square dx। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, complete square बनाना पड़ेगा। तो complete square बनाने के लिए क्या करते हैं, हम x square का coefficient है उसको 1 रखते हैं। तो minus 1 common ले लेंगे तो x square plus 4x minus 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका complete square बनाना है तो x का जो coefficient है उसको 2 से हम divide कर देते हैं, तो x plus 2 का whole square आ जाएगा। ठीक है, अब x प्लस टू का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर, तो उस 4 को अपने को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसके इक्विवेलेंट रखना है, और ये माइनस 5 एज इट इज आपने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, अगर इस माइनस को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 9 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बना करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, I2 is equal to integration 1 upon under root 9 minus x plus 2 का होल स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज में लेंगे, इंटीग्रेशन 1 upon under root of a square minus x square dx, ये होता है आपके पास साइन इनवर्स x by a, ठीक है, प्लस c। So, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे अब। ठीक है, सो आई टू की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन आई टू की वैल्यू आ गई आपके पास साइन इनवर्स, एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस टू और ए की जगह है आपका थ्री, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, नाइन है, ए स्क्वायर क्या हो गया, नाइन हो गया। सो ए की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई थ्री प्लस सी टू। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन नंबर टू पर आप चले जाओ,
इक्वेशन नंबर टू में क्या था आपके पास? इक्वेशन नंबर टू में था माइनस आई वन प्लस आई टू, माइनस हाफ ऑफ आई वन प्लस आई टू। तो आई वन की वैल्यू आप यहाँ रख दो और आई टू की वैल्यू यहाँ पर आप रख दोगे। सो ये था टू अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो थी आई वन की वैल्यू, और आई टू की वैल्यू आ रही है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाय थ्री, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का सी वन बाय टू, क्योंकि इसके साथ सी वन भी जुड़ेगा ना, तो माइनस हाफ मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा, माइनस का सी वन बाय टू, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सी टू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप माइनस ऑफ अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाय थ्री प्लस सी, ठीक है। वेहर सी इज इक्वल टू माइनस सी वन बाय टू प्लस सी टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर अपॉन t टू द पावर 6 प्लस 1 dt। सो यहां पर हम t क्यूब को हम मान लेंगे p, तो 3t स्क्वायर dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा, राइट। तो इसकी जगह तो हम क्या लिख लेंगे, dp लिख लेंगे, ओके। और यहां पर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 dp, ये बन जाता है आपका फॉर्मूला tan इनवर्स p का, ठीक है। और p की जगह हम वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे t क्यूब, राइट, प्लस c यहां से, ठीक है। सो यहां से हमारे पास क्या आंसर आ गया, i इक्वल टू tan इनवर्स t क्यूब प्लस c। नेक्स्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। सो यहां पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x होल स्क्वायर dx। सो यहां हम पुट करेंगे 2x को t पुट कर देंगे, सो 2dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, so dx is equal to dt by 2 आ गया। so I is equal to 1 by 2 integration, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dt by 2, तो यही आ गया 1 upon under root 1 plus t square आपका बन जाएगा, ठीक है। so we know that the formula integration 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो इसी तरीके की फॉर्म बन रही है, तो यही फॉर्मूला हम यूज में ले लेंगे। सो 1 बाई टू लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब t की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं हम, तो ये आ जाएगा I is equal to 1 by 2 log of t की जगह 2x रखना है आपको, ठीक है। तो t की जगह हमने 2x रख दिया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1, तो 2 माइनस x को हम t पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स इजिकल टू डी टी आ जाएगा, तो डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। तो पहले तो अपन सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका जो भी फॉर्मूला बन रहा है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो डी एक्स की जगह तो माइनस ऑफ डी टी लिख दिया अपन ने, और यहाँ पर आ गया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ऑफ लॉग टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। सो माइनस लॉग ऑफ टी की जगह आप रख दो 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको आपको सॉल्व करना है. सो पुट 5x इज इक्वल टू t, सो 5dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा. तो dx इज इक्वल टू dt बाय 5 आ जाएगा. ठीक है, तो यहां हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा तो 5dx इज इक्वल टू dt आ गया, फिर 5 को इधर डिवाइड कर दिया तो dx इज इक्वल टू dt बाय 5 आ गया. ठीक है, तो dx की जगह तो आप लिख दो dt बाय 5, तो 5 क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है ना, तो 1/5 हमने बाहर कर दिया. इसको हम क्या लिख सकते थे यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम. तो 5x को तो हमने t मान लिया था यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, t सब्स्टिट्यूशन आपने कर दिया तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt आ गया. ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का. सो ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी. सो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/5 साइन इनवर्स टी बाय 3 प्लस सी. तो यहाँ आ जाएगा 1/5 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर 5x है तो 5x बाय 3 प्लस c. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx. सो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x अपॉन 1 प्लस रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट टू और ये इसका क्या हो जाएगा, 2x dx डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का और टी का हो जाएगा dt. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x dx इज इक्वल टू 1/2 रूट टू इंटू डी टी. सो 1/2 रूट टू तो क्या है, कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो इसको तो हम बाहर कर देंगे और 3 भी आपका कांस्टेंट है तो इसको भी हमने बाहर कर दिया और x dx की जगह हम ये लिख रहे हैं तो 1/2 रूट 2 तो बाहर कर ही दिया, dt यहाँ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर. सो 3/2 रूट 2 और ये फॉर्मूला बनता है आपका tan इनवर्स t का. ठीक है, सो t की वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें और t की वैल्यू थी आपकी रूट 2 x स्क्वायर प्लस c. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 dx. सो यहां पर x टू द पावर 3 को आप t मान लो. सो पुट x टू द पावर 3 इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. सो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3. सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर, राइट, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डीएक्स, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक्स क्यूब को टी कंसीडर कर लिया, राइट. अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये फॉर्मूला आपका बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है. तो ये क्या होता है, 1/2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी. ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें, सो 1/2 इंटू ए, ए की जगह 1 है. ठीक है, लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी और टी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे. सो ये क्या आ जाएगा, 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx. सो
तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, सो यहां पर आप क्या कर लोगे, x स्क्वायर माइनस 1 को आप t पुट कर लो, ठीक है, 2x dx को आप dt पुट कर लो, x dx को आप क्या कर लोगे dt by 2 कर लोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 by 2 integration of dt 1 upon root t। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो और यहाँ पर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एक बार तो आप इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ये क्या बन रहा है, 1 upon under root x square minus 1 square dx, राइट। सो यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 1 upon 2 root t। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी होता है माइनस। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लग रहा है लॉग ऑफ, है ना, x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस t। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट टी, टी की जगह हम क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस t, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, x क्यूब को हम t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, देन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। सो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 by 3 dt आ गया। So 1 by 3 integration of, यहां आ जाएगा dt under root of t square plus a cube का whole square, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ये क्या हो गया आपका, x square dx, ये तो था ही सही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x cube का square plus a cube का square, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहां हमने क्या करा, x क्यूब को t मान लिया, डिफरेंशिएट करा, देन x स्क्वायर dx की वैल्यू यहां हमने पुट कर दी और सब्स्टिट्यूशन कर दिया t पर। ठीक है, अब वी नो दैट, हम फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है log of x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, राइट। तो ये फॉर्मूला हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3 लॉग t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a टू द पावर 6 प्लस c। अब t की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 बाय 3 लॉग t की जगह हमने रखा था x क्यूब, तो x क्यूब प्लस अंडर रूट x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 प्लस c, ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 4 dx। सो हियर वी पुट tan x इज इक्वल टू t, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे की जगह तो हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और यहां क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला कौन सा आ गया, आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ये होता है आपका 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है, तो यही अप्लाई कर दें हम यहां पर, सो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t बाय 2 प्लस c, और t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, t माना था आपने tan x, so 1 upon 2 tan inverse tan x by 2 plus c जो है final answer है। Next question, integration sec square x upon under root tan square x plus 4 dx। तो यहाँ पर भी हम क्या consider करेंगे, tan x को हम t consider कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, sec square x dx is equal to dt, differentiation करने के बाद यह आ जाएगा, तो sec square x dx की जगह तो हमने रख दिया dt, ये हो गया 1 upon under root t square plus 2 square। ठीक है, so we know that the formula integration of 1 upon under root of x square plus a square dx, वो क्या होता है, log of x plus under root of x square plus a square plus c, right? So ये formula हम यहाँ apply कर देंगे।
तो यहाँ पर आ गया log of t plus under root t square plus 4 plus c. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log of t, t की वैल्यू आपकी क्या है 10x है, तो log of modulus of 10x under root of 10 square x plus 4 plus c. इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx. सो यहां पर हम इसका अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो क्या बनेगा, जैसे ये ले लिया आपने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये तो क्या हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और यहां पर क्या बन गया 1 का स्क्वायर बन गया. भाई इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको हम ये लिख देंगे यहां पर. So, x plus 1 का whole square plus 1 का square और इस पे whole under root, right? तो इसको हम इस तरीके से लिख लिए. अब हमारा यहाँ formula हम जानते हैं क्या होता है, integration 1 upon under root x square plus a square dx वो होता है log of x plus under root x square plus a square plus c, right? So, यही formula है, हम apply कर देंगे. So, log of x plus 1 plus under root of x square plus 2x plus 2 plus c. अब इसका आप differentiation करोगे denominator में x plus 1 का, तो वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. और आप इसको substitution method से भी आप कर सकते हो कि x plus 1 को आप t put कर लें, then उसको solve कर लें, ठीक है, और after that आप t की value वापस से substitute कर दें, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो ये आपका आंसर है.